चलो देखो क्वेश्चन नंबर इसी का था, क्या लिखा, 4x + 3y बराबर 12 के दो हल निकालने हैं, ठीक है। तो आप पहले लिख लेना 4x + 3y बराबर 12, अपने मन से आपको क्वेश्चन लेना, अपने मन से जो भी मन हो, x का मान हो y का मान रखना है आपको। तो x इज इक्वल, माना यहाँ लिख लेते हैं, माना x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू रखती है 2, और x इज इक्वल क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। दो हल निकालने हैं तो 2, 3, 1 जो भी रखना वो रख लेना, ठीक है। तो पहला जब लिखना, जब x इज इक्वल टू, तो 2 रख दो, 4 इक्वेशन पहले उठाओ, 4x + 3y इज इक्वल क्या हुआ, 12, x की जगह क्या रखोगे, 2, तो 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 + 3y इज इक्वल क्या हुआ, 12, ठीक है। अब यहाँ 4 × 2 कितना हुआ, 8 प्लस 3y इज इक्वल क्या हुआ, 12, तो यहाँ लिखोगे 3y बराबर 12 - 8 हो गया, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 8 क्या कितना है, 4। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, तो y का मान 3 का भाग कर दो, तो 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 1 आएगा, तो 3 × 9, बस इतना आंसर लिख दो, ठीक है। आगे समझ में, पहला आंसर समझ में आ गया, क्या लिए थे, x का मान क्या लिए हो, 2 लिए ना, तो कितना आया है, y का मान 1.3। दो हल निकालने हैं फिर से, अब इस बार जब जब x इज इक्वल क्या लेना है, इस बार 3, ठीक है, 3 रखना है ना, चलो फिर से इक्वेशन रखो, 4x + 3y इज इक्वल फिर से 12, और x की जगह क्या रखना है, x जो है 3 + 3y इज इक्वल 12, आगे समझ में, तो यहाँ 3 × 2 कर दो, 3 है हाँ, 4 × 3 = 12, और प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो 3y बराबर कितना हुआ, 12, और माइनस 12, ये प्लस उधर चला जाएगा ना, तो 3y इज इक्वल क्या हुआ, 0, तो y इज इक्वल क्या आएगा, 0/3, तो y का मान क्या आया, 3 आएगा कि 0 आएगा, बताओ, जब 3 का भाग करोगे 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लास्ट में आप दिखा सकते हैं अतः करके, x और y हुआ, और इसमें दो ठोहल, एक बार रखे दो रखे हो ना, और एक बार क्या रखे x का मान 3, तो दो बार रख दो 3, तो एक बार क्या है y का मान 1.3, और दूसरी बार क्या आया, 0, आगे समझ में, कंप्लीट। चलिए लिख लीजिए जल्दी से।